दोस्तों बॉलीवुड में मिस्टर परफेक्टनेस के नाम से जाने जाने वाले बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार आमिर खान, दोस्तों इनकी पिछली फिल्म लाल सिंह चड्ढा बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। लेकिन दोस्तों 2023 से लेकर 2025 तक आने वाली इनकी 6 धमाकेदार फिल्में जो कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ देंगी और दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनेंगी। तो दोस्तों अगर आप भी बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान के बहुत बड़े फैन और जानना चाहते हैं इनकी 6 अपकमिंग फिल्मों के बारे में तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं। आइए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं उन फिल्मों के बारे में जो अनाउंस हो चुकी है और दोस्तों जिन फिल्मों का आना तय है। दोस्तों उनमें से सबसे पहली फिल्म है कंपेनियंस का हिंदी रीमेक, जो कि एक स्पेनिश की सुपरहिट फिल्म कंपेनियंस का रीमेक है। दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म को डायरेक्टर आरएस प्रसन्ना के डायरेक्शन में बनाया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म का बजट 150 करोड़ से भी ज्यादा का होने वाला है और दोस्तों इस फिल्म को 2023 में रिलीज करने की तैयारी चल रही है। दोस्तों सुपरस्टार आमिर खान की 2023 में आने वाली दूसरी फिल्म है सलाम वेंकी, जिसमें कि आपको इनका केमियो देखने को मिलने वाला है। दोस्तों आपको बता दें कि ये एक ड्रामा फिल्म है जिसको कि डायरेक्टर रेवाती के डायरेक्शन में बनाया जा रहा है और दोस्तों इस फिल्म के लीड रोल में आपको काजल के साथ राजीव खंडेलवाल भी दिखाई देंगे। दोस्तों इस फिल्म को भी 2023 में रिलीज करने की तैयारी चल रही है। दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म का बजट लगभग 50 से 60 करोड़ के आसपास होने वाला है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं सुपरस्टार आमिर खान की 2024 में आने वाली फिल्मों के बारे में। तो दोस्तों सुपरस्टार आमिर खान की 2024 में आने वाली फिल्म है मोगुल, जो कि एक बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है। दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म को 2018 में अनाउंस कर दिया गया था लेकिन दोस्तों कुछ कारणों से यह फिल्म डिले होती गई, लेकिन दोस्तों फाइनली ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने वाली है। दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म में आपको बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार के किरदार में दिखाई देंगे। दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म को डायरेक्टर सुभाष कपूर के डायरेक्शन में बनाया जा रहा है, जिसका कि बजट 100 करोड़ से भी ज्यादा का होने वाला है। दोस्तों इस फिल्म को 2024 में रिलीज करने की तैयारी चल रही है। आइए दोस्तों बात करते हैं उन फिल्मों के बारे में जो ऑफिशियली अनाउंस तो नहीं हुई लेकिन दोस्तों इन फिल्मों पे बात चल रही है तो ये फिल्में जल्दी अनाउंस हो सकती है। दोस्तों सुपरस्टार आमिर खान की 4वीं फिल्म है महाभारत, जिसको कि डायरेक्टर एसएस राजामौली के डायरेक्शन में बनाया जाएगा, जो कि उनके ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है। दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म को प्रोड्यूस भी आमिर खान ही कर रहे हैं और दोस्तों इस फिल्म का बजट 500 करोड़ से भी ज्यादा का होने वाला है, जिसको कि 2025 तक रिलीज किया जा सकता है। दोस्तों सुपरस्टार आमिर खान की 5वीं फिल्म है अंदाज अपना अपना 2, जिसमें आपको इनका केमियो देखने को मिल सकता है। जी हां दोस्तों, इस फिल्म के लीड रोल में आपको रणवीर सिंह और रणबीर कपूर दिखाई देंगे। दोस्तों इस फिल्म को डायरेक्टर राजकुमार संतोषी के डायरेक्शन में बनाया जाएगा, जिसका कि बजट लगभग 150 करोड़ से भी ज्यादा का होने वाला है और दोस्तों इस फिल्म को भी 2025 में रिलीज करने की तैयारी चल रही है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं इनकी 6वीं फिल्म के बारे में। दोस्तों सुपरस्टार आमिर खान की 6वीं फिल्म PK2, जो कि इनकी 2018 में आई सुपरहिट फिल्म PK का पार्ट 2 है। दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म में आपको आमिर खान के साथ रणबीर कपूर भी देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों इस फिल्म को डायरेक्टर राजकुमार हिरानी के डायरेक्शन में बनाया जा रहा है और दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म का बजट 200 करोड़ से भी ज्यादा का होने वाला है, जिसको कि 2024 में रिलीज करने की तैयारी चल रही है। तो दोस्तों आप इनमें से कौन सी फिल्म को देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड, आपको क्या लगता है इनमें से कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा कमाई कर सकती है, आपकी राय में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉक्स ऑफिस ज्ञान को।